तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं आपके लिए फिर से द हैंडमेड टेल्स का पांचवा और छठा एपिसोड लेकर आया हूं। तो अगर आप हैंडमेड टेल्स की पूरी सीरीज को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में बाकी के पहले दो वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और हाँ, आप हमारे इस सीरीज में बने रहिएगा क्योंकि मैं बाकी के एपिसोड भी जल्दी लेकर आऊंगा। तो क्या हो जब किसी औरत को बेबी पैदा करने के लिए किसी मर्द के साथ सोने के लिए मजबूर किया जाए, उसे कैसा महसूस होगा? पावरफुल लोगों की आवाज के नीचे दबकर क्या वो ये सारे काम कर लेगी? वो कभी किसी से बिना डर के मदद मांग पाएगी? यही हमें आज की इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 5 में जहाँ पर जून फ्रेड के साथ में बोर्ड गेम्स खेल रही थी तो दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और कभी कभी फ्रेड जानबूझकर जून को जीतने देता था। फ्रेड को भी जून के साथ में फ्लर्ट करना अच्छा लगता था। और फ्रेड जून को एक मैगजीन ऑफर करता है। पहले जून लगातार मैगजीन पढ़ा करती थी पर अब हैंडमेड्स को कोई भी फैशन मैगजीन अलाउड नहीं थी। लेकिन फिर भी फ्रेड के जोर देने पर जून वो मैगजीन रख लेती है। और जून को ऐसा लग रहा था कि फ्रेड उसे अब पसंद करने लगा है और इसीलिए वो छोटे मोटे गिफ्ट्स उसे दिया करता है। कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है जहाँ पर जून और मोरिया कहीं पर घूमने आए थे और वे लोग बातें कर रहे थे। उन्हीं बातों में वे लोग जून के पति जॉन को भी शामिल कर लेते हैं और ये जून और जॉन की पहली मुलाकात थी। अब पहली मुलाकात में जून और जॉन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे लेकिन तब जॉन पहले से ही शादीशुदा था। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर जून निक को देखकर भी उसकी फीलिंग्स के बारे में सोच रही थी। निक भी उसे आजकल छुप छुप कर देखा करता था। और तभी जून को सेरेना कुछ काम के लिए बाहर बुलाती है। जब सेरेना और जून अकेले में गार्डन में काम कर रहे थे तब सेरेना जून को एक अजीब बात बोलती है कि उसका पति शायद बेबी के लिए अब वो ट्राई नहीं कर पाएगा। तो जून निक के साथ में इंटीमेट होकर उसको एक बेबी दे दे। हैंडमेड्स को मास्टर के अलावा किसी और के साथ में इंटीमेट होने की परमिशन नहीं थी और ये कंट्री में एक जुर्म था। लेकिन इसी जुर्म से सेरेना को एक बेबी मिल जाएगा और फ्रेड को भी समाज के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जून को हक नहीं था किसी चीज के लिए मना करने का तो उसे इस बात के लिए एग्री करना पड़ता है। जून फिर भी अपनी हैंडमेड पार्टनर जीना के साथ में शॉपिंग करने आती है जहाँ पर उसे ग्लेनोवा दिखाई देती है और उसके पास जाती है बात करने के लिए। जून उसके हालचाल पूछती है और वो उससे निक के बारे में भी पूछती है कि क्या वो अथॉरिटीज को खबर पहुंचाने वाला चुगलखोर हो सकता है और निक के क्या कुछ ऐसा राज है जो कि वो सबसे छुपाता है। पर जो कुछ भी ग्लेनोवा के साथ में हुआ था उसके बाद में वो कुछ भी उसको नहीं बताना चाहती थी। ग्लेनोवा और कुछ बता पाती उससे पहले जीना जून को वहाँ से लेकर जाती है और रास्ते में जीना जून को समझा देती है कि वो कभी भी ग्लेनोवा से बात करने की कोशिश नहीं करें, इससे वे लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। ग्लेनोवा के ऊपर वैसे भी कई लोग नजर रखे हुए थे। और घर आने के बाद में सेरेना छुपते छुपते जून को लेकर निक के रूम में जाती है और जून और निक को इंटीमेट होने का ऑर्डर देती है। अब इंटीमेट होते टाइम जून को खुद पर ही घिन आने लगी थी और ताकतवर लोगों के नीचे दबकर उसे किसी के साथ बार बार इंटीमेट होना पड़ता था। निक के रूम के एक छोटे से फोटो से जून को पता लगता है कि निक एक गे है और कुछ ही मिनटों में निक इंटीमेट होकर थक जाता है। सीन कट होता है और कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है जहाँ पर जून और जॉन पहली बार एक डेट पर जाते हैं। दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन को महसूस करते हैं। तो जून जॉन को अपने घर पर लेकर जाती है और वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। जॉन पहले से ही शादीशुदा था लेकिन अब वो जून से प्यार करता था तो इसीलिए वो अपनी पहली वाइफ को छोड़ने वाला था। अब इस तरफ ग्लेनोवा अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी जिस तरह उसी के सामने उसके प्यार को फांसी दी गई थी और उसके शरीर के साथ में जो खिलवाड़ किया गया था वो सब कभी नहीं भूल पा रही थी। जहाँ पर ग्लेनोवा हैंडमेड का काम करती थी वहाँ की मालकिन मेलिसा सेक्स सेरेमनी के दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है और असल बात तो ये थी कि वो अपने पति को किसी और के साथ में बांट नहीं पा रही थी और ये बात ग्लेनोवा भी समझती थी। फिर उसी रात को सेक्स सेरेमनी पर जून को इस बार फ्रेड के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है लेकिन इंटीमेट होते टाइम फ्रेड जून को कुछ अलग तरीके से छूता है जिस वजह से जून को बहुत अजीब महसूस होता है। सेरेना उस टाइम उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो कैसे अपने पति को बेबी के लिए किसी और के साथ में इंटीमेट होता हुआ देखें? जून सेरेमनी के बाद अकेली फ्रेड के साथ में इस बारे में बात करने जाती है कि अगर आज किसी कारण से सेरेना फ्रेड की हरकतों को देख लेती है तो फ्रेड के लिए तो कुछ नहीं बिगड़ता है लेकिन जून की जान खतरे में पड़ जाती। लेकिन फिर भी वो जून से ऐसा नहीं करने के लिए उसे प्रॉमिस करता है और जून को एक मैगजीन गिफ्ट करता है।
जून फ्रेड को बोलती है कि उसके जैसे हैंडमेड्स प्यार पाने के लिए भी जिंदा रहती है, लेकिन फ्रेड यहाँ पर कहता है कि हैंडमेड्स का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है और उनके साथ प्यार का कोई भी लेना देना नहीं है और वे सब प्यार के लिए नहीं बल्कि लस्ट के लिए जीती हैं। फ्रेड के मुंह से उनके लिए ऐसी बात सुनकर जून को बहुत बुरा लगता है और उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि फ्रेड की सोच दूसरों की तरह ही होगी। अब हम देखते हैं कि जून की हेल्थ खराब होती जाती है और वो किचन में जाकर उल्टियाँ करने लगती है। तभी उसके पास में निक आता है और निक उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि वो सेरेना की किसी भी बात को मना नहीं कर सकता था और इसीलिए मजबूरी में ही सही निक को जून के साथ में इंटीमेट होना पड़ा था। जून यहाँ पर इस बात से गुस्सा थी कि निक ने अपने गे होने की बात उससे छुपाई और गे और लेस्बियन होने की वजह से ग्लिनोवा को तो सजा मिल रही थी जिसकी बात अथॉरिटीज को निक ने बताई थी और वो अब खुद गे होकर ये बात छुपा रहा है जबकि उसको तो उसके जैसे लोगों की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। निक जून से मना करता है ये सब बात बार बार बोलने के लिए और सीन यहाँ पर कट होता है। अब अगले सीन में जून जीना के साथ में मार्केट जाती है जहाँ पर उसे ग्लिनोवा मिलती है जिससे जून बातें करने जाती है। ग्लिनोवा उसे बताती है कि जून अगर चाहे तो सारे हैंडमेड्स की मदद कर सकती है और वो कुछ बता पाती उससे पहले जीना उसे ग्लिनोवा से दूर लेकर चली जाती है। फिर उसी टाइम ग्लिनोवा गुस्से में अमीर लोगों की एक कार में बैठकर उनकी कार को यहाँ वहाँ चलाने लगती है जिससे कि आर्मी गन लेकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन ग्लिनोवा नहीं रुकती है और इसी दौरान वो एक आर्मी के ऊपर कार चलाकर ले जाती है और वो आर्मी मैन बुरी तरीके से कार के नीचे कुचला जाता है। सभी हैंडमेड्स ग्लिनोवा की इस हिम्मत को देखकर बहुत शॉक्ड थे लेकिन अब ग्लिनोवा को आर्मी ने पकड़ लिया था और अब उसके साथ में क्या भयानक सजा होगी ये हमें आगे ही पता चलेगा। अब घर आने के बाद में रात को जून निक के रूम में जाती है और वहाँ पर वे दोनों इंटीमेट होते हैं और इस बार दोनों ही ऑकवर्ड फील नहीं कर रहे थे क्योंकि इस बार की इंटीमेसी में जून को बहुत खुशी मिल रही थी जो उसे इतने दिनों से कहीं नहीं मिली थी। और यहीं पे इस सीरीज का 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है एपिसोड 6 जहाँ पर सभी हैंडमेड्स को टाउन की एक वॉल को साफ करने को कहा जाता है जहाँ पर सजा मिले लोगों को लटकाया जाता था और अभी भी ये सब साफ सफाई इसीलिए हो रही थी क्योंकि दूसरे देश में जाने माने पॉलिटिशियन उनके देश में आ रहे थे। उनके देश की ये सारी खबरें बाहर आ गई थी और वे लोग अपने देश की ही असली सच्चाई बाहर के लोगों से छुपाना चाहते थे। अब घर आने के बाद में सेरेना जून को एक नई ड्रेस देती है और वैसी नई ड्रेस का कोई फर्क नहीं था पुरानी ड्रेस से, दोनों ड्रेसें एक जैसी थी। सेरेना जून को समझा देती है कि किस तरह दूसरे देश के पॉलिटिशियन से बात करनी है और उनको जरा भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस देश की असली सच्चाई क्या है। अब आजकल सेरेना और फ्रेड के रिश्ते में पहले जैसा प्यार नहीं रहा था और उनके लिए एक बेबी इतना इम्पोर्टेंट हो चुका था कि वे लोग अपने प्यार और उनके रिश्ते की केमिस्ट्री को भी भूल चुके थे। फिर रात को दूसरे देश से आए पॉलिटिशियन के साथ में पार्टी शुरू होती है और जून और निक की आंखों में यहाँ पर हम एक दूसरे के लिए प्यार देख पाते हैं। फ्रेड जून को पॉलिटिशियन से मिलवाता है और सभी जून से अलग अलग सवाल पूछते हैं कि उसने हैंडमेड बनने का डिसीजन क्यों लिया। जून कुछ कहती उससे पहले ही फ्रेड उनको अपने हिसाब से जवाब देता था और वहीं पर एक पॉलिटिशियन सारा जून से पूछती है कि क्या वो ऐसी लाइफ से खुश है। यहीं पर एक मौका था जून के लिए सच्चाई बोलने का और एक सच उसे इस नरक से निकाल सकता था लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाती है और ऐसा कहती है कि वो खुश है और ये लाइफ उसने खुद ने चुनी है। अब फिर सारे पॉलिटिशियन उन लोगों से बात करने लगते हैं और सारा यहाँ पर सेरेना को पूछ देती है कि उसको कैसा लगता है अपने पति को ऐसा बताना। सेरेना और बाकी अमीर औरतें इस तरह दिखाती है कि उनको ऐसी चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनका मेन मकसद यही है कि उनके पास देश को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी जनरेशन हो और इसी काम के लिए हैंडमेड्स को रखा गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉर से पहले सेरेना भी अपने हक के लिए अपनी आवाज़ को उठाती थी लेकिन अब देश के बदलते हालात की वजह से वो और बाकी औरतें घर पर बंद कठपुतली बन चुके हैं और उनको पहले की तरह जॉब करने की भी आज़ादी नहीं थी। वो वहाँ पर कोई भी बुक नहीं पढ़ सकते थे और मर्द को बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकते थे लेकिन फिर भी वे लोग ऐसा दिखा रहे थे कि उन लोगों ने ये लाइफ खुद चुनी है और ये सब गॉड की मर्जी है। अभी मीटिंग उन लोगों के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि उनके देश की करेंसी नीचे गिर रही थी और सिर्फ दूसरे देश से ही उनको मदद मिल सकती थी। अब हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रेड और सेरेना बाहर घूमने के लिए आए थे। वे लोग अपने फ्यूचर बेबी के लिए सेरोगेसी या फर्टिलाइजेशन के किसी प्रोसेस को ट्राई करना चाहते थे और तभी फ्रेड को फोन की न्यूज से ये पता चलता है कि वॉर और केमिकल अटैक से देश की हालत बहुत बिगड़ चुकी है और 3 हफ्तों के बाद में सरकार कुछ डिसीजन लेने वाली थी।
सेरेना को बुक्स और न्यूज में अपनी आवाज उठानी थी, तो वो सरकार से बात करने का डिसाइड करती है। और फ्रेड भी बड़ी पोस्ट में था, तो वो सेरेना की सरकार के साथ एक मीटिंग अरेंज करवा देता है। फ्रेड के ट्राई करने पर भी सेरेना से उस टाइम कोई भी मिलना नहीं चाहता था, जिस बात का सेरेना को काफी बुरा लगता है। और प्रेजेंट टाइम में निक और सेरेना की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो दोनों छुप छुप कर मिलकर एक दूसरे को प्यार करते थे। फ्रेड के साथ में स्टडी रूम में होते टाइम भी जून निक के साथ अपने टाइम को याद करती थी, और उसको किसी बात पर खोया हुआ देखकर फ्रेड उसको ताना मारकर कहता है कि वो किस्मत वाली है कि उसे स्टडी रूम में आने का मौका मिलता है। फिर वो जून को वहां से जाने का कहता है, लेकिन फिर भी जून कुछ सोचकर वहां पर रहने का डिसाइड करती है। और तब फ्रेड उसको पास बुलाकर उसको गलत तरीके से टच करता है और उसे किस करने को कहता है। तब जून उसे किस करती है, जिससे कि फ्रेड जून से खुश था। लेकिन रूम में वापस आकर जून अपना मुंह इस तरीके से साफ करने लगती है जैसे कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जिस तरीके से उसने फ्रेड को किस किया था, और बस किसी मजबूरी में ये सब कर रही थी। अब अगले दिन दूसरे देश के पॉलिटिशियन के लिए बड़ी डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, और उस पार्टी में हैंडमेड्स को भी बुलाया गया था ताकि वे लोग ये दिखा सके कि हैंडमेड्स को वे लोग अपनी तरह ही सम्मान के साथ में रखते हैं। सेरेना आकर सभी हैंडमेड्स को चेक करती है, और एरिका उसे ऑर्डर देती है जिन हैंडमेड की बॉडी पर चोट के निशान है उनको पार्टी में नहीं भेजें, नहीं तो बाहर के देश के लोगों को पता चल जाएगा कि वे लोग हैंडमेड्स को कितना ब्रूटली टॉर्चर करते हैं। अब टॉर्चर के कारण हेना की भी एक आंख नहीं थी, तो उसे पार्टी में नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन हेना को पार्टी में जाने का बहुत मन था क्योंकि उन लोगों ने सालों से ऐसी पार्टी नहीं देखी थी। और तब एरिका उसे प्रॉमिस करती है कि पार्टी के बाद में वो उसके लिए पार्टी का खाना भिजवाएगी, और ये सुनकर हेना को थोड़ा अच्छा लगता है। अब हैंडमेड्स फिर पार्टी में जाकर डिनर टेबल पर बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से बैठ जाती है, और सेरेना वहाँ पर आकर भाषण देती है और हैंडमेड्स की तारीफ करती है, और हैंडमेड्स की वजह से पैदा हुए उनके फ्यूचर जनरेशन को बाहर देश के पॉलिटिशियन को दिखाते हैं। अब बाहर के पॉलिटिशियन उन छोटे बच्चों को देखकर काफी खुश थे, लेकिन जो हैंडमेड्स थी उनका दुख सिर्फ वही समझ सकती थी कि किस तरह वो अपना बच्चा उन बच्चों को अपना नहीं बना सकती थी और ना ही उनको गले से लगा सकती थी। और वहीं पर जून को पता चलता है कि पॉलिटिशियन ऐसे ही उनके देश में नहीं आए थे, वे लोग उनको अपने देश ले जाकर उनके लिए हैंडमेड्स का काम करवाने वाले थे। सीन कट होता है और कहानी पास्ट की तरफ आ जाती है, जहाँ पर देश की औरतों के लिए रूल्स बना दिए गए थे, और अथॉरिटीज और अमीर लोगों की पत्नियां ग्रीन के अलावा कुछ और कलर नहीं पहन सकती थी, वो बुक्स भी नहीं पढ़ सकती थी, और सभी औरतें अपने पुराने कपड़ों और बुक्स को घर के बाहर डस्टबिन में फेंक देती हैं। अब उसी रात सेरेना को अपनी नई जिंदगी के लिए कंफर्ट करने के लिए फ्रेड उसके साथ में इंटीमेट होता है, और अगेन सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जून निक के रूम में विदेशी पॉलिटिशियन किस कारण उनके देश में आए हैं ये बताने जाती है, और जून बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। उसको नहीं पता था कि दूसरे देश में उसकी हालत क्या होने वाली थी। ऊपर से निक और जून की बात अगर किसी को पता लग जाती तो उन लोगों को मार दिया जाएगा, और किसी तरह निक जून को शांत करता है। अब अगले दिन अपने देश में जाने से पहले सारा जून से मिलने आती है और उसे चॉकलेट गिफ्ट करती है, और उसको अकेले देखकर जून सारों को बता देती है कि हैंडमेड्स यहाँ पर खुश नहीं है। वो ये भी कहती है कि हर महीने उनका कई बार रेप होता है और बच्चा पैदा करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, और अगर वे लोग उनकी बात ना सुने तो उनको टॉर्चर भी किया जाता है, उनकी आंखें निकाल ली जाती है, उनका चेहरा भी खराब कर दिया जाता है, और यही नहीं उनके साथ में बहुत कुछ होता है। ये सारी बातें सारों को पता नहीं थी, और वो जून से माफ़ी मांगती है, और वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि उनका देश चिपिका खुद बहुत बड़ी मुसीबत में था। 6 सालों से उनके देश में एक भी जिंदा बेबी पैदा नहीं हुआ था, और अपने देश को बचाने के लिए उनको हैंडमेड्स की ज़रूरत थी। तभी वहाँ पर फ्रेड आता है तो सारा उससे बात करने चली जाती है, और तब जून को अकेला पाकर अथॉरिटी का एक आदमी टीम जून को मदद करने की बात कहता है, और साथ ही वो उसे उसके पति जॉन के बारे में बताता है जो कि अभी तक जिंदा है। जून उसका विश्वास नहीं करती है, लेकिन टीम को उसका असली नाम पता था, और वो जून को अपने पति के लिए एक मैसेज लिखने को भी कहता है ताकि वो जून की मदद कर पाए। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 6 खत्म होता है। दोस्तों, इन दोनों एपिसोड में हमने देखा कि एक बेबी की तलाश और समाज के सामने शर्मिंदा न होने के लिए हैंडमेड्स को किसी के साथ में भी इंटीमेट होने के लिए मजबूर किया जाता था, जैसे कि निक और जून को इंटीमेट किया गया था। फ्रेड भी अपनी हवस मिटाने के लिए जून को कभी कभी अच्छा महसूस कराता था,
लेकिन असल में वो भी हैंडमेड की कोई भी इज्जत नहीं करता था और साथ ही उनके देश की इकोनॉमी बहुत बिगड़ गई थी और इसीलिए वे हैंडमेड्स के बदले वे लोग विदेश के लोगों से अपनी इकोनॉमी ठीक करवाना चाहते थे। विदेश में भी उनकी तरह बेबी की प्रॉब्लम चल रही थी और कहीं कहीं पर तो 6 सालों तक कोई भी जिंदा बेबी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन इन सब की वजह से जून और उसके जैसे हैंडमेड्स को ये सब सहना पड़ रहा था जिनकी तकलीफ कोई भी नहीं समझता था। तो इसी के साथ में इस सीरीज का एपिसोड 5 और एपिसोड 6 खत्म होता है। दोस्तों आपको इस सीरीज के एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके बाकी के एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो दोस्तों मैंने द हेडमैन टेल्स वेब सीरीज़ पर पहले भी 3 वीडियो बना चुका हूँ और ये इस सीरीज़ का 4th वीडियो है। तो अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की सीरीज समझ में आएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाए तब एक रास्ते में हमारा एक ऐसा अपना खड़ा रहता है जो कि हमारी मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसी अपने की उम्मीद में ही हमारे अंदर आखिरी समय की हिम्मत बनी रहती है। तो आज की हमारी कहानी में हम यही देखेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस सीरीज का एपिसोड 7 वहीं से शुरू होता है जहां से जून जॉन अपनी बेटी को आर्मी से बचाने के लिए कार से भागे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार रुक जाती है। जून और अपनी बेटी को अकेले ही आगे भेज देता है और खुद गन लेकर आर्मी का वेट करता है। वो आर्मी पर गोली भी चलाता है जिस दौरान जॉन को खुद पेट पर गोली लग जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बचेगा और वो अपनी फैमिली को याद करता है। आर्मी वाले उसे एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उस एम्बुलेंस का भी एक्सीडेंट हो जाता है। जॉन के अलावा एम्बुलेंस में सारे लोग मारे गए थे और जॉन वहाँ से कुछ मेडिसिन को उठा लेता है ताकि वो अपने घाव को भर सके और अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए वो वहीं से आगे बढ़ जाता है जहाँ पर उसने अपनी फैमिली को छोड़ा था। वहाँ पर जाकर जब वो देखता है तो वहाँ पर उसकी फैमिली नहीं थी, सिर्फ उनका सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। और तब जॉन अपनी बेटी की डॉल को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फिर वो अपने घर की तरफ जाता है और पूरे शहर में कोई भी नहीं था और कुछ लोगों को आर्मीज और अथॉरिटीज़ ने अपना बंदी बना लिया था। जिस घर में वो पहले अपनी फैमिली के साथ में रहता था वहाँ पर वॉर और दंगे के कारण उस घर की हालत देखकर जॉन को बहुत अफसोस होता है। कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है जहाँ पर जॉन और जून अपनी बेटी को लेकर किसी की मदद से देश से निकलने की कोशिश कर रहे थे और शहर में हर तरफ आर्मी पहरा दे रही थी ताकि कोई भी सिटीजन इस देश को छोड़कर नहीं जा सके। वे दोनों कुछ दूर जाकर एक ग्रिफर्ड नाम के आदमी से मिलते हैं जो उनको वहां से निकालने में मदद करने वाला था। ग्रिफर्ड उनके फोन्स को तोड़ देता है ताकि कोई भी उनको ट्रैक नहीं कर पाए और साथ ही उनका बैग भी ले जाने नहीं देता है, नहीं तो पुलिस बैग को देखकर उन पर शक कर सकती थी कि वे लोग यहाँ से भागने वाले हैं। जून जॉन और उनकी बेटी को कार की डिक्की में डालकर ग्रिफर्ड आगे बढ़ता है और कार की डिक्की के अंदर जून पकड़े जाने के डर से बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, जिससे कि जॉन उसे कंफर्ट करता है। फिर रास्ते में चेकिंग के लिए आर्मी उनकी कार को रोकती है और एक आदमी डिक्की खोलकर चेक कर भी रहा था, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाता है जैसे कि डिक्की में कोई भी नहीं है क्योंकि वो आर्मी मैन ग्रिफर्ड के साथ में मिला हुआ था। कुछ देर के बाद में ग्रिफर्ड उनको एक घर में लाता है कुछ टाइम छुपने के लिए और वहाँ पर आसपास बहुत दूर तक कोई भी पड़ोसी का घर नहीं था तो वे लोग आराम से वहाँ पर छुप कर रह सकते थे। और उस सेफ्टी के लिए जॉन को एक गन देकर ग्रिफर्ड उनके नकली पासपोर्ट बनाने जाता है क्योंकि वे लोग इस देश के पासपोर्ट के साथ में कभी भी वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अगेन कहानी फिर से जॉन की तरफ जाती है जिसके पास जो लड़कियाँ लेला और समांथा आकर उसे मारकर वो कौन है ऐसा पूछ रही थी। वे लोग जॉन को आर्मी वाला समझ रहे थे क्योंकि उसने आर्मी की जैकेट पहनी हुई थी और जॉन उनको अपनी हालत और फैमिली के बारे में बताता है। जॉन ने अभी तक अपनी गोली नहीं निकाली थी जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। तो वे लड़कियाँ जॉन को अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाती है और गाड़ी के अंदर ही जॉन का इलाज करने लगते हैं और उस गाड़ी में उनके अलावा क्रिस्टन और पीटर भी थे। जॉन फिर थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कर रहा था तो उसको अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी कि किस तरह इन सब हालातों से पहले वो अपनी फैमिली के साथ में खुश था। जॉन जब नींद से उठता है तो उसको समांथा रोती हुई दिखाई देती है क्योंकि समांथा जब कॉलेज में थी तब वहाँ की सारी लड़कियों को बेबी पैदा करने के लिए हैंडमेड्स बनाने के लिए बंदी बनाकर ले जा रहे थे जिसमें समांथा भी शामिल थी, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से भाग गई और उनके दोस्तों के साथ में जो हुआ उसके ट्रॉमा से वो निकल नहीं पा रही थी। वे सभी कनाडा भाग रहे थे लेकिन जॉन को यहीं पर अपनी फैमिली को ढूंढना था और वो गाड़ी से उतरने की जिद करने लगता है
और तब लेला उसे गन दिखाकर कंट्रोल करती है। कहानी फिर से उसी टाइम पर आती है जहाँ पर जॉन अपनी फैमिली के साथ में ग्रिफर्ड के कहे हुए घर पर था, और वे लोग जब थोड़े टाइम घर के बाहर थे तभी उनके पास में जो नाम का एक आदमी आता है जो कि उनसे थोड़ी बहुत बातें करके वहां से चला गया था। अब रात होती है और वे सभी ग्रिफिड के कहे टाइम पर निकलने के लिए रेडी होते हैं, और जून जॉन के पास वो गन देख लेती है। जॉन उसे समझाता है कि वो बस उनकी सेफ्टी के लिए उसने गन रखी हुई है, और उसी समय उनके दरवाजे पर जो आ जाता है। जून जो पर भी शक कर रही थी तो उसे भी गन दिखाकर उनके तरफ आने से रोकती है, और जो उनको बताता है कि आर्मी को उनके बारे में पता चल गया है और वो उन्हें ढूंढ रही है, और तो और ग्रिफिड भी मर चुका है। ग्रिफिड के काम के बारे में पता चलते ही उसको आर्मी वालों ने मारकर सड़क पर फांसी पर लटका दिया है, और जो उनको बॉर्डर पार करने का रास्ता बता देता है। सीन कट होता है और कहानी शिफ्ट होकर जॉन की तरफ आती है जहाँ पर उनकी गाड़ी कनाडा की बॉर्डर की तरफ आ गई थी, और सभी को जॉन थैंक यू कहता है उनकी मदद करने के लिए। जॉन अब आगे नहीं जा सकता था क्योंकि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना था, और पीटर उसे रास्ता बता देता है। लेकिन जाने से पहले लेला जॉन को पास के एक चर्च तक लेकर जाती है, और वहाँ पर आर्मी ने जो फाइटबैक करने वाले लोगों को फांसी दी थी वो उसको दिखाती है। उस चर्च में लाशें भरी पड़ी हुई थी जिसे देखकर जॉन भी घबरा जाता है, और लेला जॉन को समझाती है कि अगर वो अभी भी अपनी फैमिली के लिए सरकार से लड़ने जाएगा तो उसका हाल भी इन लाशों की तरह होगा, और उसके लिए बेहतर ही होगा कि वो अभी भी उनके साथ में कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के गवर्नमेंट से मदद मांगे। और तब जॉन भी लेला की बात पर राजी हो जाता है। फिर रात को वे सभी बोट से कनाडा की तरफ जाते हैं। बोट का ड्राइवर जॉन से उसकी कुछ चीजें उसकी वेडिंग रिंग लेने के बाद ही उसे अपने बोट पर आने देता है, और वे लोग बोट पर चढ़ी रहते हैं कि तभी आर्मी उन पर गोलियां चलाने लगती है, जिस दौरान लेला की वहीं पर मौत हो जाती है, और वे लोग किसी तरीके से बॉर्डर पार कर लेते हैं। अब अगेन सीन कट होता है और कहानी यहीं से 3 साल के बाद में शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन कनाडा में समानता के साथ में था, और उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा अपार्टमेंट भी ले लिया है। जॉन फिर कनाडा के पॉलिटिशियन रेचल से मिलने जाता है, और ऑफिस के बाहर वॉर में मिसिंग हुए कई लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। रेचल से मिलने पर वो उस देश की काफ़ी बातें बताने लगता है। तभी रेचल जॉन को वही लेटर देती है जो कि जून ने टीम के जरिए उनको भेजा था। लेटर को देखकर जॉन बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि जून अभी भी जिंदा है, और जॉन को जून से मिलने की एक उम्मीद जाग जाती है। और इसी के साथ में इस सीरीज का एपिसोड 7 खत्म होता है। यहीं से एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं जून जो कि निक के साथ में रूम में थी। जून जॉन का वेट तो कर रही थी पर फिर भी वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जॉन उसे बचाने आएगा, और इसीलिए वो खुद का मन बहलाने के लिए निक के पास टाइम बिताने आती है। और हम देखते हैं कि दोनों आजकल रोज इंटीमेट होते थे, और किसी को पता चलने से पहले ही जून अपने मेन घर में चली जाती थी। अब हमें यहाँ पर निक की कहानी दिखाई जाती है, और इन सब हंगामे में निक की जॉब चली गई थी, इसीलिए वो एक करियर काउंसलर के पास में जॉब मांगने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे जॉब तो नहीं मिलती है, और उल्टा वहाँ के लोग निक के साथ में झगड़ा कर लेते हैं। वहाँ का मैनेजर निक के साथ में कुछ बातें करने के लिए उसे एक कॉफ़ी शॉप में ले जाता है, और इसी के जरिए निक को फ्रेड के घर का ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है। प्रेजेंट टाइम में जून जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे फ्रेड नज़र आता है जो कि उसे कहीं पर ले जाने के लिए अच्छे से रेडी करता है। जून को समझ नहीं आ रहा था कि आजकल इस देश में जो कपड़े मना है उन्हीं कपड़ों को पहनाकर फ्रेड उसे कहां पर ले जा रहा है, और रास्ते में मिले आर्मी को फ्रेड जून को अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। कुछ ही टाइम में वे लोग एक पार्टी की जगह पर पहुंचते हैं, और वहां का पूरा माहौल जून को बहुत अजीब लगता है। वहां की लड़कियां स्ट्रिपर की ड्रेस पहने हुई थी, और ड्रिंक के साथ में वहां पर पार्टी भी चल रही थी, और देश में अब भले ही ये सब मना हो लेकिन आज भी वे सब चुपकर ऐसी सेक्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है जहाँ पर निक फ्रेड का ड्राइवर था, और कार में जो भी बातें हो रही थी वो सभी निक को भी पता रहती थी। एक दिन फ्रेड कुछ पॉलिटिशियन के साथ कार में ही बातें कर रहा था कि हैंडमेड्स के साथ सेक्स सेरेमनी के दौरान उनकी वाइफ को भी साथ में रखना चाहिए, नहीं तो वाइफ और हैंडमेड्स के बीच में बातें बिगड़ सकती है, और इस सेक्स सेरेमनी को एक पूजा की तरह वाइफ के सामने पेश किया जाए ताकि उनको ऑब्जेक्शन न हो कि उनके पति किसी और लड़की के साथ में इंटीमेट हो रहे हों। अब अचानक जून को उसी पार्टी में मोरिया दिखाई देती है, और मोरिया भी जून को देखकर बाथरूम की तरफ जाती है। जून मोरिया का इशारा समझकर फ्रेड से परमिशन लेकर बाथरूम में जाती है, और वहां पर मोरिया से मिलती है। दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश थे, और मोरिया उसे माफी मांगती है कि उस टाइम उसे जून को छोड़कर अकेले ट्रेन से भागना पड़ा था। लेकिन मोरिया के वहां से भागने के बाद भी मोरिया फिर से कैसे इस सिचुएशन में फंस गई ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब मोरिया और कुछ बता पाती उससे पहले ही मोरिया को एक औरत बुलाकर वहां से ले जाती है,
जाने से पहले मोरिया जून को कुछ ही टाइम के बाद में वहीं पर मिलने का वादा करती है। जून और फ्रेड पार्टी में थे और निक को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था जून को फ्रेड के साथ में देखकर। निक को वही टाइम याद आता है जब पहली हैंडमेड ने सुसाइड किया था, और क्या पता ये सुसाइड उस हैंडमेड ने फ्रेड की वजह से ही की थी। अब पार्टी में फिर से आने के बाद फ्रेड जून को लेकर एक रूम में जाता है और वहां पर वो उसे बड़े अजीब तरीके से टच करता है। फ्रेड का इरादा यही था कि अपनी वाइफ की मौजूदगी के बिना वो अपनी मर्जी से जून के साथ में इंटीमेट हो सके। अपनी ऐसी हालत के लिए जून रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी, और उसे किसी चीज़ के लिए मना करने का भी कोई हक नहीं था। इंटीमेट होने के बाद में जब फ्रेड सो रहा था तो जून रूम से बाहर निकलती है और आसपास सभी रूम की लड़कियों को बुरी तरीके से सेक्सुअली टॉर्चर और उनका रेप किया जा रहा था। वहाँ से आगे जाने के बाद में एक रूम में जहाँ और भी कई सारी हैंडमेड्स थी, जून वहाँ पर जाती है और वहाँ पर उसे मोरिया मिल जाती है। जून मोरिया से पूछती है कि वो फिर से इस नरक में कैसे फंस गई, तो मोरिया बताती है कि मोरिया प्लान के हिसाब से बोस्टन जाने के लिए ट्रेन में चढ़ी तो थी। वहाँ से उसे एक आदमी भी मिला जो कि उसे अंडरग्राउंड दूसरे देश में भेजने वाला था, लेकिन आर्मी ने उनको पकड़ लिया और उस आदमी को गोली मार दी। मोरिया को सेक्सुअली टॉर्चर करके फिर से यहीं पर हैंडमेड बनाकर रख दिया गया, लेकिन मोरिया को भागने का रास्ता पता था, पर जो कुछ भी उसके साथ में हुआ था वो इसके बाद में यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जून उसे जॉन के बारे में बताती है कि किस तरह वो यहाँ से जिंदा बचकर निकल चुका है और शायद वो उनकी मदद के लिए कभी भी आ सकता है, लेकिन फिर भी मोरिया को अब विश्वास नहीं हो रहा था कि वे यहाँ से बाहर निकल सकती है। हम देखते हैं एक बार निक ने अथॉरिटीज के एक ऑफिसर को एक आदमी के बारे में उसकी सीक्रेट बातें बता देता है जो बहुत सारी हैंडमेड्स के साथ में इंटीमेट हो चुका था, और उस आदमी को आर्मी पकड़कर जेल में ले जा रही थी। हमें पता चलता है कि निक यहाँ पर सभी को इन्फॉर्मेशन देने का काम भी करता था। सीन कट होता है और शिफ्ट होकर सेरेना के पास में आता है जो कि अपने माँ के घर से वापस आ रही थी, और फ्रेड ऐसा नाटक कर रहा था जैसे कि वो एक लॉयल हस्बैंड हो। जून जब निक को देखकर स्माइल करती है तो जून अब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिसके बदले में जून उसे माफी मांगती है कि उसे इस तरीके से फ्रेड के साथ में रहना पड़ा, और वो किसी चीज के लिए मना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन निक यहाँ पर जून से सारे रिश्ते खत्म कर देता है और जून इस बात पर बहुत गुस्सा होती है। उसके मुताबिक निक को उसके लिए कभी फीलिंग थी ही नहीं, वो बस दूसरे के ऑर्डर पर जून को प्रेग्नेंट बनाने में लगा हुआ था और वो ऐसे ही घटिया लाइफ से बहुत खुश है। पर निक को यहाँ पर सड़क पर फांसी पर लटक नहीं मरना था, और ऐसा रिश्ता उन दोनों के लिए खतरा बन सकता था। कुछ टाइम के बाद में सेरेना अपने बचपन की एक चीज जून को गिफ्ट करती है जो कि एक डांसिंग डॉल थी, और उस गिफ्ट को देखकर जून को अपनी हालत याद आ रही थी। एक डॉल जो कि बॉक्स के अंदर बंद है वो सिर्फ तभी नाचती है जब कोई बॉक्स खोलता है। दूसरों के इशारों पर नाचने वाली डॉल जून उसी अलमारी में खुद का एक मैसेज लिखने लगती है कि क्या पता उसकी लाइफ कब तक बची रहे, और यही मैसेज उसके बाद में आने वाली किसी हैंडमेड को हिम्मत देगा। लेकिन जून में अभी भी इतनी हिम्मत बची हुई थी कि वो उस बॉक्स में बंद डॉल नहीं बनने वाली थी, और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। दोस्तों एपिसोड 7 और एपिसोड 8 में हमने देखा कि एक तरफ हजार मुसीबत से लड़कर जॉन दूसरे देश से जून को बचाने की कोशिश कर रहा है, और एक तरफ जून जो कि इस नर्क में किसी तरह एक उम्मीद के सहारे खुद को जिंदा रख रही है। और यहाँ पर हम कुछ मर्दों के कैरेक्टर्स को भी देख पाते हैं कि किस तरह वाइफ के बिना वे लोग हैंडमेड का फायदा उठाते हैं। वहीं मोरिया जैसी कुछ लड़कियां भी है जो कि डर की वजह से वहां से निकलने की उम्मीद खोकर बॉक्स के अंदर बंद उस डॉल की तरफ बनने के लिए राजी हो। तो दोस्तों आपको द हैंडमेड टेल्स के एपिसोड कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं जल्द ही इसके बाकी के एपिसोड भी लेकर आने वाला हूँ। और अगर आपने इस सीरीज के पहले और बाद वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा, आप वहाँ से सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर